व्हाट्सएप स्टेटस में अपनी फोटो और वीडियो के साथ म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो इसके दो बहुत ही इजी तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है, स्टोरी सेक्शन में जाना है, यहाँ आपको वो फोटो या वीडियो सेलेक्ट करना है जिसपे आप म्यूजिक लगाना चाहते हो। फिर ऊपर म्यूजिक आइकन पर टैप कर अपनी चॉइस का सॉन्ग सेलेक्ट कर लो, आप सॉन्ग सर्च भी कर सकते हो। म्यूजिक ऐड करने के बाद ऊपर इस आइकन पर टैप करके इसे अपनी गैलरी में सेव कर लो। आपकी फोटो और वीडियो म्यूजिक के साथ गैलरी में सेव हो जाएगी, इसे आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस ट्रिक से आप सिर्फ 10 सेकंड तक के वीडियो को ही म्यूजिक के साथ गैलरी में सेव कर सकते हो, इसलिए अगर आप किसी लॉन्ग वीडियो पर म्यूजिक लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका फॉलो करना होगा। अपने फ़ोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से VN वीडियो एडिटर ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप ओपन करो, प्लस आइकन पर टैप करो और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके गैलरी से अपना वो वीडियो सेलेक्ट कर लो जिसपे आप म्यूजिक लगाना चाहते हो। टाइमलाइन पर आपका वीडियो कुछ इस तरह शो होगा। फिर म्यूजिक आइकन पर टैप करो, म्यूजिक ऑप्शन सेलेक्ट करो। यहाँ आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। लिंक ऑप्शन में आप सॉन्ग का लिंक यहाँ पेस्ट करके सॉन्ग ऐड कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में अगर आपके पास सॉन्ग का वीडियो ऑलरेडी आपकी गैलरी में सेव्ड है तो उससे आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। या फिर मोर पर टैप कर फाइल ऐप ऑप्शन पर टैप करके फाइल से आप सॉन्ग यहाँ ऐड कर सकते हो। इसके लिए सॉन्ग पहले से आपके फ़ोन में डाउनलोड हो रहा चाहिए। सॉन्ग यहाँ से ऐड करने के बाद वो आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। आप इसकी टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर सेव पर टैप कर दो, वीडियो म्यूजिक के साथ आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, इसे आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।